जीप रैंगलर रिलेटेड ये मेरा सिक्स्थ वीडियो है एंड ग्लैडिएटर रिलेटेड ये सेकंड वीडियो मैं ले आ रहा हूँ। एंड ये व्हीकल का कलर देख के थंबनेल पे भी अगर आप क्लिक नहीं करते तो मैं क्या बोलूँ। ऑफकोर्स जीप रैंगलर एक आइकॉनिक व्हीकल ईयर 1940 से आते हैं। मैं आपको उसका 60th एनिवर्सरी स्पोर्ट वेरियंट भी ले आया था, अभी रिसेंटली उसका 4xe वेरियंट भी ले आया था। एक्चुअली सिक्स्थ नहीं सेवन्थ वीडियो है, क्रेजी जीप रैंगलर 6.4 हेमी V8 का भी वीडियो लगा जो सबसे क्रेजी जीप रैंगलर अवेलेबल है। ग्लैडिएटर में मैंने आपको दिखाई थी लास्ट टाइम जीप ग्लैडिएटर विलेज जो काइंड ऑफ एक मिड लेवल स्पोर्टी ट्रिम है। टेक्निकली जीप ग्लैडिएटर नाम के ऊपर ये सेकंड व्हीकल है, सेकंड जनरेशन कह सकते हो। लेट 1960s में एक जीप ग्लैडिएटर नाम की पिकअप रखा थी SJ सीरीज के साथ। ऑफकोर्स दिखने में बाकी जीप व्हीकल से काफ़ी डिफरेंट थी वो। हाउएवर जैसी 2019 में जो लेटेस्ट जीप का JL सीरीज आया था उसी के ऊपर ये JT सीरीज न्यू ग्लैडिएटर आई थी। मैं हुदीप एंड ये है ऑल न्यू 2023 जीप ग्लैडिएटर मोहावे इसके ये हाई वेलोसिटी येलो पेंट में। दिस थिंग इज रियली अ हेड टर्नर। हाई विजिबिलिटी जैकेट होती है ना, आप हाईलाइटर मारते हो, इतना ब्राइट ये पेंट है, रोड पे इसको मिस करना, इसके ऊपर ध्यान नहीं जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। बट ये स्टेलेंटिस ग्रुप में, चार्जर चैलेंजर्स में, ये बाकी जीप रैंगलर्स में या जीप ग्लैडिएटर्स में काफ़ी क्रेजी कलर वो हमेशा से लेते आ रहे। इवन जीप की 4xe मैंने दिखा थी वो भी काफ़ी अच्छे एक डिफरेंट शेड के वॉयलेट या पर्पल कलर में थी। एंड ऑफकोर्स जो हेमी वेट है उसका वीडियो ज़रूर देखना, मैं लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनीवेज अभी मैंने तभी भी कहा था हर एक डिफरेंट वेरिएशन जीप्स के मैं वीडियो आपके लिए लेते आने का ट्राई करूंगा। लास्ट टाइम विलिज थी ये मोहावे बेसिकली, इसमें इंट्रोड्यूस किया था आई थिंक 2 ईयर्स पहले। सो जैसे बाकी फोर्ड की रेंजर रैप्टर वगैरह दे काइंड ऑफ उससे कम्पीट करती है व्हीकल, जैसे जीप्स में हमेशा से कोई भी जीप हो, यही नहीं कंपास से लेके चिरोकी ग्रैंड चिरोकी कोई भी ग्रैंड वैगन है, हमेशा से यहाँ पे ट्रेल रेटेड एक बैजिंग आती रही है। वही बैजिंग यहाँ पे 4x4 डेजर्ट रेटेड है। सो बेसिकली डेजर्ट में पूरा आप ऑफ रोडिंग जा रहे हो, हाई स्पीड ऑफ रोडिंग जंप्स वगैरह माना वो कैपेबल ये व्हीकल है, स्पेशली ये मोहावे ट्रिम। इसलिए स्पेसिफिक ऑफकोर्स लिफ्टेड तो है ही है, पर आपको स्पेसिफिक फॉक शॉक्स भी आते हैं। उसका रिजर्वर देखो पूरा ट्यूबिंग वगैरह या बम्पर के नीचे जाएं, इसकी मेटल की स्किड प्लेट आती है उसके नीचे दिया गया है, डबल शॉक्स आज आपको कॉइल और सेम चीज़ पीछे भी आप देख रहे हो, एक स्पेसिफिक डिज़ाइन लिए मोहावे के लिए। इसमें फॉक शॉक्स आते हैं, ऑफकोर्स ये रिम्स एंड टायर्स भी, एंड टायर्स की बात कर रहे थे हम, से फैल्कन के टायर्स है एंड रिम्स आते हैं इसमें 285x70 R17 inch के। ऑफकोर्स बींग अ जीप इस पर भी ईस्टर एग्स है ऑल ओवर द व्हीकल। यहाँ पे भी एक जीप का आपको व्हील पे एम्ब्लम देखने मिलता है, गोरिल्ला का स्टिकर आता है यहाँ पे, वहाँ पे चप्पल का निशान है ग्लास पे, ग्लास पे नहीं इसका जो इंजन पे वेंट आता है उसके ऊपर, ऑफकोर्स छोटी जीप वहाँ पे है। एंड ये जो इंजन के ऊपर कवर है वो भी सेम जैसे जीप का ग्रिल है 7 slots उसी के डिज़ाइन में है। ऑफकोर्स हेडलाइट के अंदर भी जो रिफ्लेक्टर है वही 7 slots में आता है। बट नॉट ओनली दैट, ये व्हीकल का मेन हाईलाइट है जो मैंने काफ़ी रील बनाई थी एंड ऑफकोर्स इसके भी रील्स वगैरह में मैं सारे इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहता हूँ, वो है इसका बिल्ट इन ब्लूटूथ स्पीकर यस, जो कि इसके सीट के पीछे प्लेसमेंट है मैं आपको शॉर्टली दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लैडिएटर चीज़ें कवर कर लेते हैं, बट बिफोर वी मूव एड मुझे आपको बताना है डीप थ्रॉटल के बारे में। आप तक आप जो जो चैनल को सपोर्ट करते हैं, चैनल ग्रो रहा है, उसके बाद में लेटेस्ट एंड एक्सक्लूसिव न्यूली लॉन्च व्हीकल्स के वीडियोज आपके लिए इतना जल्द से जल्द ले आ पा रहा हूँ। एंड उसी में अभी एक नेक्स्ट स्टेप ये जर्नी में आपके सपोर्ट के बाद ही वन स्टॉप प्लेटफॉर्म में लेके आ रहा हूँ, जो आज तक आपके सारे क्वेश्चंस आते थे, स्पेशली आपको न्यू व्हीकल खरीदनी है, ओल्ड व्हीकल या व्हीकल कैश पे, उसके रिलेटेड कंसल्टेशन हो गया, ऑफकोर्स आपको बेस्ट डील्स दिलाना अक्रॉस द GTA, इसलिए मैंने पार्टनरशिप किए काफ़ी सारे डीलर्स के साथ जिसके वजह से आपको सबसे बेस्ट डील्स मिल सके। बट वही नहीं, मैंने अपनी जर्नी यहाँ पे एज अ स्टूडेंट स्टार्ट की थी, सो मुझे पता है कि इतना डिफिकल्ट होता है, इसलिए रेफरल प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया यही पार्टनर डीलर्स के पास। ऑफकोर्स बेस्ट डील्स तो मिल ही रहे, सो आपके नोन में एनीवेज किसी को गाड़ी लेनी है फ्रेंड्स या फैमिली में, अगर आप उनको रेफर करते हो एनीवेज बेस्ट डील तो मिलेगी, बट उसके ऊपर आपने क्योंकि रेफर किया आपको भी चांस मिलता है अर्न करने का up to $500। स्पेशली आजकल महंगाई इतना बढ़ गया है तो मुझे पता है कितना इंपॉर्टेंस होता है स्पेशली बींग अ स्टूडेंट। इसके अलावा बहुत सारे फीचर है, काफ़ी लोग पूछते भी है कि जॉब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मेरे को जॉब चाहिए, आई एम ऑटोमोबाइल इंथूजिएस्ट, इसीलिए ये सारे हम जो है यहाँ पे कम्युनिटी को यूनाइट करने के लिए बेसिकली काफ़ी लोग मुझे मिलते रहते हैं एंड वही लोगों को आप भी सारे कनेक्ट कर सको, इसलिए काइंड ऑफ ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म वही गोल के साथ मैं ले आ रहा हूँ। सो डेफिनेटली कमिंग वीडियोज़ में सारे अपडेट्स में देते रहूँगा एंड ये सारे व्हीकल्स होते हैं वेबसाइट रिलेटेड अपडेट भी मैं इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूस देते रहता हूँ। एंड नाउ बैक टू द वीडियो, हम बात कर रहे हो ब्लूटूथ स्पीकर के, मैं शॉर्टली आपको दिखाऊंगा कि ये साइड नहीं हो दूसरे साइड है, बट मेनली अभी इसके साइड प्रोफाइल में दिस इज वेयर द ग्लैडिएटर पार्ट कम्स इन। अब ये स्टैंडर्ड जीप रैंगलर के ही डेफिनेटली प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, बट जीप ने कॉस्ट
से व्हीकल की कॉस्ट भी नीचे रखने के लिए चेंजेस जितने कम हो सकते थे किए। मेनली ये व्हीकल का व्हील बेस ऑलमोस्ट 20 इंचेस से लॉन्गर है स्टैंडर्ड जीप रैंगलर से, एंड ओवरऑल व्हीकल की लेंथ है अराउंड 30 इंचेस ज़्यादा है स्टैंडर्ड रैंगलर से। एंड दूसरी चीज़, जो कॉम्पिटिशन व्हीकल है जैसे फोर्ड रेंजर या टोयोटा टकोमा, एक्चुअल में मैं इसका टकोमा के साथ कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला था इसलिए ब्लैक टकोमा भी आई है, बट वो टोयोटा ने टू डोर वर्जन भेज दिया उसका लॉन्गर बेड के साथ मैनुअल गियर बॉक्स और डायरेक्ट कंपैरिजन था नहीं, इसलिए मैं सेपरेट वीडियोज ही बना रहा हूँ दोनों व्हीकल के ऊपर। बट मेन चीज़ मैं कह रहा था जैसे टकोमा में टू डोर लॉन्गर बेड शॉर्टर बेड ऑप्शन है, इसमें आपको ये आई थिंक 5 फीट अराउंड का स्टैंडर्ड बेड ही आता है। आप इसमें लॉन्गर बेड या टू डोर जैसे जीप टू डोर रैंगलर आते हैं, टू डोर फोर डोर वैसे नहीं है, स्टैंडर्ड सेटअप में ही आते हैं। एंड आप देख सकते हो जैसे व्हील बेस बड़ा है, बट मैंने आपको कहा था कि कॉस्ट उन्होंने नीचे रखने का ट्राई किया, सो एक्चुअल में उन्होंने लेग रूम में कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया क्योंकि आपको स्टिल वो कैप जो है यहाँ तक बेसिकली सेम ही आता है, इसलिए आप ये इतनी ब्लैंक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे देख रहे हो क्योंकि डोर भी एग्जैक्टली जीप रैंगलर से ही आता है, उसके वजह से पीछे स्पेस भी जीप रैंगलर जितनी ही आपको मिलती है। जस्ट मेन चीज़ है यहाँ पे पीछे बेड, एंड ऑफकोर्स यही साइड पे इसका फ्यूल कैप भी आ जाता है। इसमें अभी ऑप्शनल एज एक्सेसरी टर्नॉय कवर है, बीइंग अ पिकअप ट्रक की फीचर्स आते हैं आपको पीछे ग्लास में, यहाँ पे विंडो भी आती है जो आप स्लाइड करा सकते, ऑल्दो ऊपर लाइट नहीं आती जैसे बाकी पिकअप ट्रक्स में आते हैं। रीजन विंग स्टिल इसमें और रैंगलर डीएनए, आप रूफ वगैरह हटा सकते हो, मुझे इसमें नहीं पता। जैसे आप ये 4x8 में देख रहे हो उसमें स्काई वन टच रूफ आता जो मैं काफी प्रेफर करता हूं क्योंकि वन टच से पूरा सॉफ्ट टॉप पीछे तक चला आता है, एंड काइंड ऑफ सॉफ्ट टॉप हार्ड टॉप कंबाइन करता है, पीछे के पैनल्स निकालना भी काफी इजी है, उसमें बॉडी कलर पैनल्स भी आ जाए। आई डोंट थिंक सो इसमें वो ऑप्शन आप करा के ले सकते हो, एंड सॉफ्ट टॉप में भी इसमें लगा सकते हो एक्सेसरीज से, बट आपको स्टैंडर्ड इसमें अभी हार्ड टॉप आता है एंड पीछे का भी ये पूरा निकल जाता है। इसके वजह से इसमें ऊपर कोई लाइट्स नहीं है, हाई माउंटेड ब्रेक लाइट्स नहीं है, एंड विंडो भी मैनुअल है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। दूसरी चीज़ अभी पीछे देख सकते हो पूरा प्लेन है, रेड एक्सेंट्स है, मैसिव जीप लोगो है उसमें, एंड वो ये मोहावी के साथ उसके इंटीरियर में एक्सटीरियर में यहाँ पे साइड में भी जहाँ जीप ग्लैडिएटर है ऑरेंज एक्सेंट्स है ये बैजिंग में भी, एंड ऑफकोर्स ये मोहावे पे आगे फ्रंट में ग्रिल में ये एंकरिंग पॉइंट्स है, पीछे भी एंकरिंग पॉइंट्स है बेसिकली अक्रॉस द व्हीकल एक्सटीरियर इंटीरियर में। सो ये मोहावे स्पेसिफिक है ये कलर ऑरेंज एक्सेंट्स व्हीकल में। टेलगेट इज नाइसली डैम्प्ड एंड अंदर बैग भी दी जाती है जिसमें आप ऑफकोर्स इसका रूफ मैकेनिज्म जो है वो निकालते हो तो स्टोर कर सकते हो। अंदर आपको कोई ऐसा बड़ा अडैप्टर वगैरह नहीं है, पावर प्लग नहीं है जो जैसे बाकी कॉम्पिटिशन व्हीकल्स में, लाइट्स आते हैं, एंकरिंग पॉइंट्स आते हैं, ऑफकोर्स टर्नॉय कवर के रेड जो आप यहाँ पे स्ट्रैप्स देख रहे हो स्ट्रैप से ये टर्नॉय कवर ओपन होता है, बट व्हीकल अंदर से इतनी गंदी है सो मैं ज़्यादा टच नहीं कर रहा इसमें। सो जो हाई माउंटेड ब्रेक लाइट वहाँ ऊपर मिसिंग है वो आपको यहाँ जो इसका लीवर आता है ये टेल गेट ओपन करने का उसी के ऊपर दी गई है। बाकी इसमें कुछ ईस्टर एग्स नहीं, आई एम सरप्राइज कि यूजुअली जीप्स में होते हैं, एंड टेल लाइट भी आपको स्क्वायरिश आते हैं लाइक द जीप रैंगलर। एंड अभी इसके बैक साइड में साइड स्टेप वगैरह आते हैं बीइंग अ काइंड ऑफ ऑफ रोड रिम, ये पूरे मेटल के आपको साइड स्टेप प्रोटेक्टर आते हैं बेसिकली इसके साइड अंडर बॉडी के लिए, एंड ऑफ कोर्स मैंने कहा था आपको लेग रूम वगैरह आपको स्टिल पीछे का सीट है पूरा जीप जैसे ही मिलता है, इसलिए मैंने कहा था 7th वीडियो है डिटेल में जाऊंगा नहीं, ऊपर स्पीकर्स आते हैं, रूफ का मैकेनिज्म हो गया, एंड बाकी भी चीज़ें हो गई ग्लैडिएटर स्पेसिफिक एंड मोहावे स्पेसिफिक हम पूरा डिस्कस करेंगे। बट मेन चीज़ है आती है इसमें ब्लूटूथ स्पीकर, ऑफकोर्स मुझे थोड़ा मूव होना पड़ेगा यहाँ पे, सो बेयर विथ मी फॉर दैट। यहाँ पे ये आपको पहले हेडरेस्ट फोल्ड करना है एंड ये सीट जो है वो नीचे फोल्ड करनी है, उसके बाद अभी इसमें यहाँ पे सीट के पीछे ऑफकोर्स यहाँ पे इसके पीछे बेड आता है, आपको लॉकिंग वगैरह आती है और एक स्ट्रैप आता है वो पुल करने के बाद काफ़ी अच्छे से फिटिंग की गई है। इसी के अंदर आपका ब्लूटूथ स्पीकर आता है, यानी ऐसे ही ब्लूटूथ स्पीकर नहीं, मैंने आपको कहा था ईस्टर एग्स आते हैं, सो सेम इसके ऊपर जो जीप के 7 स्लॉट्स आते हैं वैसे ही दिए गए, एंड पूरा हैवी ड्यूटी को कंसिडर करें, आप इसको डस्ट में ले जा रहे हो ऑफ रोडिंग में ये गिर गया वगैरह फिर भी एकदम हैवी ड्यूटी यूज़ को कंसिडर करते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके ऊपर आपको जीप लिखा हुआ आता है, ब्लूटूथ कनेक्शन, वॉल्यूम के बाकी फंक्शनलिटीज आ जाते हैं। सो ऑफकोर्स ये चार्ज कहाँ होता है, सो यहीं पे इसका प्लग है, सो आप देख रहे हो यहाँ जहाँ ये लॉक होता है उसी के तरह ये यहाँ से चार्ज भी हो जाता है। सो जैसे ही मैं इसको वापस इसके प्लेसमेंट में रख देता हूँ, ऑफकोर्स थोड़ा वो ट्रिकी है रखना, यस, सो जैसे मैं उसको उसके प्लेसमेंट में रख देता हूँ अपने आप उसकी चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये सीट्स जैसे मैंने अभी फोल्ड किए और फिर इसको वापस ऊपर करते भी सीट्स के नीचे भी बीइंग अ पिकअप ट्रक आपको और स्टोरेज स्पेस भी आ जाएगी। अगर आप 4x8 वेरियंट लेते तो यही सीट के नीचे इसकी बैटरी प्लेसमेंट दी गई है, एंड उसके अलावा एज आई सेड कि ग्लैडिएटर रिलेटेड स्टफ ही हम फोकस करेंगे। आई होप ये न्यू बाउंड सेटअप मैंने ट्राई किया ज़्यादा शेक नहीं हो रहा होगा। एनीवेज अभी फर्स्ट थिंग है इसमें पावर से स्टैंडर्ड आता है आपको 3.6 जैसे बाकी पावर ट्रेन आते हैं, इसमें आपको हेमी V8 इंजन अवेलेबल नहीं है, देन हाइब्रिड पावर ट्रेन भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, आपको इसमें 3.6 लीटर जो ट्राइड एंड टेस्टेड स्टेलेंटिस ग्रुप का V6 पेंटास्टार इंजन है वही आता है रेटेड टू 200 एंड
95 हॉर्स पावर लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक व्हीकल, इसके टू हाई मोड पे है। ऑफ कोर्स यहाँ पे नीचे गियर लीवर आते हैं, उसे आप टू लो वगैरह कर सकते हो। बर्न आउट स्टिल डिसेंट इनफ एक्सेलरेशन इसमें आपको मिल जाएगा, बट वही है, ओ माय गॉड इट काइंड ऑफ मूव्स अ लॉट। आई डोंट नो, आई होप जो है ये माउंट ज़्यादा शेक ना कर रहा हो। तो अभी फर्स्ट थिंग एक्सेलरेशन डिसेंट फील होता है, क्योंकि ऑफकोर्स ये सेम पावर ट्रेन आपको जीप रैंगलर में भी आता है, बट इसे छोटी और लाइटर व्हीकल है। इसमें अभी एक्स्ट्रा बेड का, क्योंकि कैब ओवरऑल देखा जाए सेम ही है, एक्स्ट्रा वेट आता है इसमें जो बेड पीछे दिया गया है एंड लॉन्गर व्हील बेस का भी। सो डेफिनेटली इतनी क्विक नहीं फील होती जैसे जीप रैंगलर फील होती है। एंड जीप रैंगलर का जैसे मेन ड्रॉबैक है हमेशा से फ्रंट सॉलिड एक्सल आता है, सेम इसमें भी फ्रंट सॉलिड एक्सल आता है। एंड पुराने स्टाइल का जो स्टेयरिंग व्हील का सिस्टम होता है, मैं नाम भूल गया, वो अभी आ रहा होगा ऊपर। सो वही टाइप का स्टेयरिंग व्हील आता है। एंड ये व्हीकल बींग जैसे इसमें लॉन्गर व्हील बेस, ऑफकोर्स स्टेबिलिटी थोड़ी हाई वेस पे वगैरह इंप्रूव होती है, ओवरऑल थोड़ी सी व्हीकल स्टेबल है, बट मेनली बिकॉज ऑफ द लॉन्ग व्हील बेस, बट येट मूव्स अ लॉट। अभी भी एक्सेलरेशन के टाइम आपने देखा दिस व्हीकल वॉज मूविंग अ लॉट। यस मैंने कहा कैमरा काफी मूव हो रहा था, बट स्टिल ओवरऑल हैंडलिंग देखा जाए इट्स स्टिल बेटर देन द करंट जनरेशन फोर्ड रेंजर। ऑफकोर्स अभी फोर्ड रेंजर भी ऑल न्यू आई है जो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के लिए जल्दी आ रही होगी, एंड जीप भी उन्होंने अपडेट की है। हाउएवर सस्पेंशन सेटअप रिलेटेड उसमें ज़्यादा अपडेट नहीं है, सो नो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग इंप्रूवमेंट्स ये इवन ये ग्लाइडेटर में भी। सो क्या है व्हीकल, किसके लिए? ऑफकोर्स ये मोहावी ट्रिम है। अभी आपको मैंने कहा था मेन में मोहावी ट्रिम रिलेटेड फोकस करूंगा। सो ऊपर भी आगे फ्रंट में भी आपको सेम ये ऑरेंज एक्सेंट्स ऑल ओवर द व्हीकल आते हैं एसी वेंट्स में। ये मोहावी स्पेसिफिक सीट्स भी आते हैं। अभी जैसे रूबीकॉन हो या टॉप ऑफ द लाइन आप इसका सहारा हाई एल्टीट्यूड वेरियंट लेते हो, तो आपको इसमें वो सेम पूरे लेदर के सीट्स, मतलब लेदर लाइक फिनिशिंग वाले सीट्स है। इसमें क्लॉथ सीट्स आते हैं, बट स्टिल ऑरेंज एक्सेंट्स आपको मोहावी की बैजिंग सीट पर आ जाती है। एंड इसमें अभी मोहावी में आपको रियर लॉकिंग डिफरेंशियल आता है एंड अलग से ऑफ रोड प्लस मोड आता है। अगर आप इसका विलीज वेरिएंट लेते हो जिसमें आपको ऑल्टरनेट टायर्स वगैरह तो जरूर आ जाते हैं, बट ये पूरा जो पोर्शन है या रेड वाला एरिया देख रहे हो आप, एक्सल लॉकर वगैरह, वो सारा मिसिंग हो जाता है। एंड वही रूबीकॉन अगर आप लेते हो तो उसमें आपको डेफिनेटली और एक मोड आएगा, फ्रंट लॉकिंग डिस्क भी आ जाएगा एंड डिस्कनेक्टिंग स्वे बार का भी फंक्शनलिटी आ जाएगा जो इसमें मिसिंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स स्टिल लाइक अ स्टैंडर्ड जीप रैंगलर। एंड ड्राइविंग का मतलब आपको क्यों इसको कंसीडर करोगे एक जीप रैंगलर के ऊपर, मेनली बिकॉज आपको वो एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस पिकअप ट्रक की थिंग्स आपको करनी है, बट उसी के साथ आपको रैंगलर भी पसंद है, बट आपको पिकअप ट्रक आप कंसीडर करोगे आपका बिजनेस है या बाकी भी चीज़ें, आपको सामान मूव वगैरह करना है, गार्डनिंग वगैरह ज़्यादा है आपको, तो वही प्रैक्टिकलिटी पर्पज रिलेटेड ही ये आप ग्लैडिएटर कंसिडर करोगे, क्योंकि पिकअप ट्रक्स भी अपने में अभी एक लाइफस्टाइल बन गए। सो कंसिडरिंग दैट ये जीप भी ग्लाइडिएटर ये प्रोडक्ट मार्केट में ले आया था। सो अनलेस आपको वो लाइफस्टाइल चाहिए पिकअप ट्रक रिलेटेड, आपको इसका लुक्स पसंद आता, मैंने आपको एक्सटीरियर का लुक दिखाया था, मैं बोलना भूल गया था कि मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये व्हीकल का ओवरऑल लुक्स जो है डिजाइन के मामले में कैसे लगा, प्रपोर्शन आई थिंक इट लुक्स ओके, बट अभी जो न्यू रेंजर आ रही है इट डेफिनेटली लुक्स बेटर। एंड विनर हैंड्स डाउन जो न्यू टकोमा आई है इट लिटरली लुक्स क्रेजी, एंड मुझे नहीं समझ रहा कि वो ब्रांड न्यू टकोमा के ऊपर में ये व्हीकल आपको कैसे रिकमेंड करूँ, दैट इज़ अ रियली कूल थिंग। बट स्टिल अगर यू आर इन टू जीप इज रियली अ गुड प्रोडक्ट, मेनली मैं कंसिडर करूँगा कि अगर आप लाइफ स्टाइल रिलेटेड देख रहे हो कि अभी भी मोपा रहे हो, काफ़ी कूल एक्सेसरीज आप इसके बेड के ऊपर लगा सकते हो, टेंट वगैरह जाना, ओवर लैंडिंग करना, बट डेफिनेटली आपका जो अप्रोच एंगल तो ठीक है, बट डिपार्चर एंगल बीइंग अ पिकअप ट्रक एंड लॉन्गर व्हील बेस डेफिनेटली इसमें कॉम्प्रोमाइज होता है अगर आप एकदम हार्डकोर ऑफ रोडिंग कंसिडर कर रहे हो तो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मैंने जैसे कहा था ऐसे यूनिक व्हीकल्स मैं आपको दिखाते रहूँगा, एंड मैंने जो वेबसाइट एज वन स्टॉप प्लेटफॉर्म भी बोला था आपको उसी में भी आपका ऐसे ही सपोर्ट दिखाना जो आप तक आप दिखा, एंड डेफिनेटली आपके सारे फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली के साथ भी उसमें जो फीचर्स सारे आते हैं वो शेयर करते रहना, एंड आपका ऑटोमोटिव रिलेटेड एक्सपीरियंस भी आप उसमें सारे मेंशन कर सकते हो, वही वो पूरा जो प्लेटफॉर्म लिया उसका मेन हाईलाइट है हम सबको यूनाइट करना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एज आई ऑलवेज से कीप सपोर्टिंग द चैनल, एंड नाउ विद दैट दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।